శివం శివం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబిలంబితాంబుజంగతుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమడ్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం. आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के जीवन में यज्ञ और हवन का वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व क्या है. देखिए, मनुष्य जीवन में यज्ञ और हवन का बहुत ही महत्व बताया गया है. हिंदू धर्म में खास करके हवन कराने की जो परंपरा है उसका अपना एक महत्व है. हवन अथवा यज्ञ भारतीय परंपरा अथवा हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है. कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि पहुंचाने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं. अगर हम वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो फ्रांस के ट्रेली नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की है, जिसमें उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी पर किया जाता है और जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है. अब जब यह रिसर्च किया गया उसके बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने का तरीका पता चला. एक्चुअली में गुड़ को जलाने पर भी यही गैस उत्पन्न होता है. वैज्ञानिक महत्व पे हम बाद में आएंगे, पहले हम अपने धर्म की बात करें क्योंकि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों से ज्यादा जुड़ा हुआ है. अभी जो हवि जो हम पहुंचाते हैं तो हवि हव्य अथवा हविष्य वह पदार्थ है जिनकी अग्नि में आहुति दी जाती है, जो अग्नि में डाले जाते हैं. हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल शहद घी कास्ट इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है. तो ऐसा माना जाता है कि यदि आपके आसपास की बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है. शुभकामना स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन करवाया जाता है. अब इसको वैज्ञानिक तौर पर विश्लेषण कीजिए. एक और वैज्ञानिक है टॉटिक. तो टॉटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर जो अपना रिसर्च किया उसमें यह पाया कि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसा खतरनाक रोग फैलाने वाले जो जीवाणु हैं वो मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है. धर्म की देखते हो तो यज्ञ हवन से देवी देवताओं की पूजा अर्चना ही नहीं होती है बल्कि हवन यज्ञ से प्रदूषित वातावरण को भी शुद्ध किया जाता है. यज्ञ हवन भी एक चिकित्सा पद्धति मानी गई है जो विज्ञान ने साबित किया है और हवन यज्ञ के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है. यह मैं आपको साबित करने की कोशिश कर रहा हूं वैज्ञानिक तौर पे. तो यज्ञोपैथी जो है या अंग का जो है इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है और जब चिकित्सा की अन्य पद्धतियां मौजूद नहीं थी तो यज्ञ हवन आदि से ही वातावरण को बीमारी रहित बनाया जाता था. तो यहां पे सारे जो चीजें थी वैज्ञानिक थी, हमारे ऋषि मुनि कोई बेवकूफ तो थे नहीं, तो हर चीज एक शोध किया गया है. हवन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च किया है कि क्या वाकई हवन से वातावरण शुद्ध होता है और जीवाणु नाश होते हैं अथवा नहीं. तो उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाए जलाने पर सारी चीजें पाया कि विषाणु नाश करती है. अभी स्वास्थ्य के लिए हम धार्मिक तौर पे जाते हैं. अब हम धार्मिक तौर पे थोड़ा सा बोलते हैं तो स्वास्थ्य के लिए कैसे महत्वपूर्ण है. प्रत्येक ऋतु में आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार के वायुमंडल रहते हैं. सर्दी गर्मी नमी वायु का भारीपन हल्कापन धूल धुआं बर्फ ये सब कहीं ना कहीं भरा हुआ होता है. तो विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं की उत्पत्ति होती है वृद्धि होती है और समाप्ति का क्रम भी चलता रहता है.
इसलिए कई बार वायुमंडल स्वास्थ्यकर होता है, कई बार अस्वास्थ्यकर हो जाता है। तो इस प्रकार के विकृतियों को दूर करने और अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए हवन में ऐसी औषधियां प्रयुक्त की जाती है जो इस उद्देश्य को भली प्रकार पूरा कर सकती है। तो कहने को अगर धार्मिक तौर पे देखें तो हवन एक ऐसी विद्या है जिसके नियमित करने से वनवांछित फल प्राप्त होता है तथा अपने विरोधी का नुकसान और अपनी शक्ति ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए तामसी प्रवृत्ति वाले तांत्रिक भी इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। गायत्री परिवार वाले भी विधि विधान से हवन करते हैं जिससे वाणी में सत्यता तथा विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ती है। तो नियमित हवन करने वाले पर किसी प्रकार के बुरी तरंगों का कुप्रभाव नहीं पड़ता है। तो जानकार की निगरानी में हवन करने से मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। योग्यामाराधम, अब जो शोध किया हमारे वैज्ञानिक विद्यार्थियों ने, वैज्ञानिकों ने, उस पर हम थोड़ा सा आ जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर शोध किया और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी मात्र 1 किलो जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हो गए, बल्कि उसमें जैसे उसके ऊपर 0.5 किलो हवन सामग्री डालकर जलाई गई तो 1 घंटे के भीतर कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% कम हो गया। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कक्ष की हवा में मौजूद जीवाणु का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाजे खोले जाने और सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम था। और ये परीक्षण बार बार किया हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने। क्या पाया कि इस एक बार के धुएं का असर 1 माह तक रहा है और उस कक्ष के वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था। और ये मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा हूं, ये 2007 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों एवं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है, जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग जो है वो कम किया जा सकता है। देखिए, हवन करने से न सिर्फ भगवान ही खुश होते हैं बल्कि घर की शुद्धि भी हो जाती है। ये हमारा मतलब अगर धर्म की बात करें तो और हवन करने की अपनी विधि होती है। अगर हम थोड़ा सा धर्म की तरफ झुकाव करते हैं तो हवन कुंड शुद्ध होना चाहिए तथा आहुति देने वाला व्यक्ति संकर के ढंग से बैठकर आहुति देना चाहिए। सिर पर पगड़ी तथा धोती और सफेद कपड़े पहने हुए होने चाहिए क्योंकि ये सात्विकता की निशानी है। नीले रंग का कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ होना चाहिए। फिर शुद्ध सात्विक भाव से श्रद्धा पूर्वक ओम स्वाहा के साथ आहुति देना चाहिए। ओम शब्द, ओम स्वाहा, पहले वैदिक मंत्र फिर गोत्राचार बोलकर भी जब ईश्वर भगवान के शब्दों से हवन करना चाहिए तो विशेष फलदायक होता है। हवन के अपने अपने प्रकार हैं। हवन विभिन्न प्रकार के होते हैं जो विभिन्न उद्देश्य के लिए विशेष रूप से देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है? मृत्युंजय हवन, जो लंबे जीवन और जीवन की विकट स्थिति के लिए होता है। फिर दुर्गा हवन, दुर्गा हवन से नकारात्मक जो ताकतें हैं वो खत्म हो जाती है। फिर चंडी हवन है जो सभी क्षेत्रों में आपको जीत दिलाएगी। गायत्री हवन करते हैं तो सकारात्मक सोच की जो क्षमता है वो बढ़ती है। गणपति हवन कराते हैं तो बाधाओं को दूर करते हैं। लक्ष्मी हवन धन और समृद्धि को बढ़ाती है। कृत्या परिहरणा हवन काला जादू के प्रभाव के मुकाबला करने के लिए किया जाता है। रुद्र हवन नकारात्मक प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए। वास्तु हवन इमारतों और घरों में अच्छी ऊर्जा के लिए। फिर विद्या हवन सीखने की सुविधा के लिए। तो हवन का जो उद्देश्य है वो बड़ा ही मतलब स्टिक होता है। अभी हवन की जो संविधा है, हवन की जो संविधा है वो हम आपको बताते हैं वैज्ञानिकों के हिसाब से भी और
अपने धर्म के हिसाब से भी। संविदा के रूप में आम की लकड़ी सर्वमान्य है, परंतु अन्य संविदाएं भी विभिन्न कार्यों हेतु प्रयुक्त होती है। सूर्य की संविदा मदार की, चंद्रमा की पलाश की, मडगल की खैर की, बुध की चिड़चिड़ा की, बृहस्पति की पीपल की, शुक्र की गुल्लर की, शनि की शमी की, राहु दुर्वा की और केतु की कुशा की संविदा कही गई है। मदार की संविदा रोगों का नाश करती है, पलाश की सब कार्य सिद्ध करने वाली होती है, पीपल की प्रजा संतति काम कराने वाली, गुलर की स्वर्ग देने वाली, शमी की पाप नाश करने वाली, ध्रुवा की जो संविदा होती है वो दीर्घायु देने वाली, और कुसा की संविदा सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाली होती है। जो हव्य देते हैं, आहुति देने जो यज्ञ द्रव पदार्थ है, उसके जो प्रकार होते हैं वो विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार के वायुमंडल के हिसाब से होता है। तो पूरा जो वायुमंडल है वो स्वास्थ्यकर हो जाता है, औषधियां प्रयुक्त होती है। जो होम द्रव्य होते हैं उसमें सुगंधित चीजों में केसर, अगर, तगर, चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री, छड़ीला कपूर, कचरी, बालछड़, पांडरी आदि उपयोग किया जाता है। पुष्टिकारक चीजों में घृत, गुगुल, सूखे फल, जौ, तिल, चावल, शहद, नारियल आदि प्रयुक्त होते हैं। मिष्ठान में शक्कर, छुहारा, दाग इत्यादि इस्तेमाल किया जाता है। रोगनाशक जो चीजें हैं उसमें गिलोय, जायफल, सोमवली, ब्राह्मी, तुलसी, अगर, तगर, तिल, इंद्रा, जव, आमला, मालकांगनी, हड़ताल, तेजपत्र, प्रियंगू, केसर, सफेद चंदन, जटामांस इत्यादि का उपयोग होता है। तो उपयुक्त चीजों का जो वस्तुएं हैं वो हवन में प्रयोग होनी चाहिए। अनु के हवन से मेघमालाएं अत्यधिक अन्न उपजाने वाली वर्षा करती है। सुगंधित द्रव्यों से विचारें शुद्ध होते हैं। मिष्ट पदार्थ स्वास्थ्य को पुष्ट और शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। इसलिए जितने भी पदार्थ हैं उन सबको समान महत्व दिया जाना चाहिए। यदि अन्य वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो तो जो मिले उसी से, अथवा केवल तिल, जौ और चावल से भी आपका काम चल जाएगा। बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तिल, जौ, सफेद चंदन का चूरा, अगर, तगर, गुगल, जायफल, दालचीनी, तालिस पत्र, पांडरी, लौंग, बड़ी इलायची, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। भारतीय संस्कृति के निर्माता ने यज्ञ को पिता और गायत्री को माता माना है। गायत्री को साक्षात ईश्वर माना गया है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि गायत्री मंत्र के रूप में हम ही हैं। गायत्री मंत्र को मंत्रों का राजा माना गया है, और जितनी ऊर्जा इसके उच्चारण से निकलती है उतनी अन्य किसी मंत्र से नहीं निकलती है। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के साधक और आराधक थे, और इसी के पूजा के बल नाराज होकर दूसरी सृष्टि की रचना शुरू कर दी थी। तो गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाकर युग निर्माता की कल्पना को साकार रूप प्रदान करने वाले युग शिल्पी, युग निर्माता, युग दृष्टा, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीराम शर्मा को गायत्री मंत्र तथा यज्ञ हवन की परिवर्तित अधिष्ठाता माना जाता है। अभी यज्ञ का जो मेन उद्देश्य है क्या होता है? हवन शुभ ऊर्जा के जागरण में निर्देशित प्रक्रिया और हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाती है। हवन के दौरान बोले जाने वाले पवित्र मंत्र एक विशेष कंपन पैदा करती है जो बुरी ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती चली जाती है। तो यह मैंने आपको हवन के बारे में बताया, हवन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में, वैज्ञानिक महत्व और धार्मिक महत्व के बारे में बताया। आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल।